इनफर्टिलिटी, बंधत्व या फिर गर्भधारण न होना, ऐसे फीमेल पेशेंट में कितनी ही कंप्लेंट पाई जाते हैं और ऐसे कितनी ही फीमेल पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आती है। आपको हर बार एलोपैथिक में इसमें IVF या टेस्टिकुलर भी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्या आपको ये करना चाहिए? प्रेगनेंसी के लिए क्या ये ज़रूरी चीज़ें रहती हैं? हर महीने के आपको हार्मोनल टैबलेट्स या वजाइनल हार्मोनल टैबलेट्स लेनी ही चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आता है। इससे आप जितना हो सके बचना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारी डिसीजेस होने का डर रहता है, जैसे कि हिरसुटिज़म, चेहरे पे एक्स्ट्रा हेयर्स या बॉडी पे एक्स्ट्रा हेयर्स आ जाना, मोटापा, ओबेसिटी या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ खराब हो जाना, बाल्डनेस, बाल झड़ जाना या फिर टाल हो जाना, या फिर स्किन ड्राई और डार्क काला रंग हो जाना। तो क्या आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं? तो आप ज़रूर बचिए। इसके लिए अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आयुर्वेदा में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसे सारे फीमेल पेशेंट्स को हमें आकर कहते हैं, कोई बोलता है भूत प्रेत का इस पे साया है, या किसी ने जादू मंत्र कर दिया है, या किसी ने इसको दूध में, चाय में, पानी में कुछ पिला दिया है। तो क्या ये सच बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज़्यादा गलत बातें पेशेंट में फैली रहती हैं। आप सबसे पहले अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले ही ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। ऐसे पेशेंट को पंचकर्मा सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, जिससे कि बीज संस्कार इसको बोलते हैं। तो माता पिता से पाइल्स फिशर, डिप्रेशन, एनजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे सारी बीमारियां बच्चे में नहीं आती है। हस्बैंड वाइफ दोनों को नस्यम या फिर पुसोमन विधि दी जाती है, नेजल ड्रॉप, जिससे कि मेल पेशेंट का स्पर्म काउंट बढ़ाया जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और हस्बैंड वाइफ दोनों को जेनेटिक डिसीज से बचाया जाता है। मेल फीमेल दोनों पेशेंट्स को मेडिसिन स्टार्ट करके फीमेल पेशेंट का ओवम क्लियर करने के लिए पंचकर्मा का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे स्नेह विच्छेदन के बाद बस्ती ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट रहती है। जो मेडिकेटेड काढ़ा डेली पेशेंट को एनोरेक्टल रीजेंसी दिया जाता है, जिससे कि शरीर का पोषण हो जाता है और थोड़े दिनों में ओवम मैच्योर होकर 13-14 डे पर रप्चर हो जाता है विदाउट एनी हार्मोनल इंजेक्टेबल्स एंड टैबलेट्स। इस प्रकार आयुर्वेदिक दवाई लेके आप 1, 2, 3 months or 6 months में पेशेंट नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, और आफ्टर दैट 9 months पेशेंट को एबॉर्शन या ब्लीडिंग के भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो देखिए, आपका पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाता है, और आपको स्वस्थ बेबी भी मिल जाता है।